धर्म सिंह छोकर जो कि कांग्रेस से विधायक हैं और उनके जो आवास है वहां पर रेड की जा रही है। हालांकि रेड में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे पहले बयानबाजियों का दौर भी अब शुरू हो चुका है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर अगर बात की जाए या फिर तमाम आरोप जो अभी कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर लगाए जाएंगे उनको लेकर बात की जाए, ये बात तो साफ है कि लगातार रेड का जो सिलसिला है वो यूं ही जारी रहेगा और इसके बाद आरोप और प्रत्यारोपों का भी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही है। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद अब कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने ये छापेमारी की है। विधायक धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। विधायक धर्म सिंह छोकर के चंडीगढ़ और पानीपत स्थित ठिकानों पर छापेमारी हुई। चंडीगढ़ के MLA फ्लैट नंबर 202 पर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी। फ्लैट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। जानकारी ये भी मिली कि धर्म सिंह छोकर के रिश्तेदार के घर पर भी रेड पड़ी। कांग्रेस विधायक के घर, पेट्रोल पंप और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि टैक्स चोरी की संभावना के चलते ये छापेमारी हुई। इसके अलावा जमीन खरीद फरोख्त में गड़बड़ी के भी आरोप लगे हैं। पानीपत जिले और चंडीगढ़ में कई ठिकानों पर छापेमारी की खबर के बाद फिर गुरुग्राम से भी एक ऐसी ही खबर सामने आई। कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर IT की रेड पड़ी तो गुरुग्राम के DLF फेज 1 के आवास पर भी छापेमारी की खबर निकलकर सामने आ गई थी। सुबह 6 बजे से कई ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही थी। गुरुग्राम में मौके पर 6 से ज्यादा इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस विधायक छोकर के दफ्तर में भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। यानी कुल मिलाकर पूरी तैयारी के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने यह छापेमारी की। अभी छापेमारी हुई तो कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आना भी लाजमी था। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल का इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार विरोध को दबाने के लिए ऐसा कर रही है, यहां तक कि उन्होंने देश में अघोषित आपातकाल भी बता दिया। विपक्ष का मनोबल तोड़ने के लिए, विपक्ष को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र की मान मर्यादाओं को ताक पर रखने का एक प्रक्रिया है और इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। ये तो है ही, ये बदले की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके से खासतौर से लोकतंत्र में ये नहीं होता कि जब कोई सरकार आए दूसरे के इस तरीके से करे, पर ये सरकार इसी उसमें अपना समय व्यतीत कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धर्म सिंह छोकर समालखा से कांग्रेस के विधायक है और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, लेकिन इस छापेमारी में क्या निकल कर सामने आएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल धर्म सिंह छोकर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पानीपत से प्रदीप रेड्डू के साथ चंडीगढ़ से अनिल मोर और जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।